हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जो टूर्नामेंट के बारे में थी वो नहीं देखी तो पहले वो देख के आओ, क्योंकि टूर्नामेंट में हमारी मिस्टेक्स भी हुई हैं और कुछ गलत फहमियाँ भी हुई हैं जिसमें हमने सारी दूर की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखो, लिंक मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब आप टूर्नामेंट इंजॉय करो। इस टूर्नामेंट की वीडियो हुसैन इकबाल गेमिंग पे भी मौजूद होगी इस टूर्नामेंट की वीडियो, तो आप ऑल्सो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस टूर्नामेंट का सेकेंड व्यू आपको वहां से मिल सकता है, तो लेट्स चेक आउट, चेक ज़रूर करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू। तो आज का हम टूर्नामेंट ये स्टार्ट करते हैं। फेज़ी बादशाह इन द प्लेन, फेज़ी हमीद, फेज़ी हैरी, इब्राहिम रश, इब्राहिमी, फेज़ी अमीन, और भी बहुत सारे बंदे, और ज़्यादातर बंदे प्यूरी उतरते हुए, कुछ जोर जो जा रहे हैं। आई थिंक हमें प्यूरी पे अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे वहीं जा रहे हैं और जोर जो में भी अच्छी खासी तादाद जा रही है। आई डोंट नो अब वो यहाँ से टर्न करेंगे, क्योंकि हर कोई सेफ खेलने की करेगा, कोई भी रश खेलने की नहीं करेगा मुझे जितना लगता है। तो देखते हैं क्या होता है। और रश यूसुफ जॉर्जिया पुल में लैंड कर रहे हैं। रश यूसुफ यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दिख रहे हैं मेरे को फिलहाल तक के लिए, तो वो इजी लूट कर सकेंगे। अभी हो सकते हैं आजू बाजू उतरे हो, क्योंकि दिख गया हो कि एक बंदा आ रहा है जॉर्जियो की साइड पे। और मेरा जोर जोर लोड ही नहीं हो रहा, फक। हॉस्पिटल में बंदे हैं भाई, हॉस्पिटल में बंदे मौजूद हैं आमने सामने। रश, इब्राहिमी और शेशी, ऐसा कुछ नाम है, दो बंदे यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है हमें। आई डोंट नो, इसके अलावा और कहाँ फाइट हो रही है, चल के देखते हैं और कहाँ फाइट हो रही है, क्योंकि अभी ये दोनों ही लूट कर रहे हैं। और कहाँ, ओ यहाँ फाइट होने लगी है भाईजान, स्टेल बार में फेज़ी हमीद और सिकंदर 757 की, तो काफ़ी क्लोज आ चुके हैं एक दूसरे के। सिकंदर के पास अच्छा कवर मौजूद है और फेज़ी हमीद भी TPP लेके अच्छे कवर के साथ मौजूद है। देखते हैं, लेट्स सी हू विंस। और कुछ ये पोजीशन है अब तक की, फ्यूरी पे भी बंदे काफी हैं, लेकिन फ्यूरी पे हमें अब तक कोई फाइट टिकी नहीं। फेज़ी अमित, सिकंदर 757, बहुत ही क्लोज, सिकंदर की ये मिस्टेक हो सकती है। और कुछ बुलेट फायर बच गए, लेकिन फेज़ी हमीद अच्छी पोजीशन के साथ, लेकिन सिकंदर चाहे तो इस पर फ्लाइंग कर सकता है पीछे से, रेंगता हुआ अगर पीछे से साइड से निकल जाए और पीछे से आके से मारे तो इजी किल हो सकता है, इजी किल मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे फाइट। और वो बाजू वाले ये छोड़ झोपड़े में आ गया, क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं सिकंदर। लेट्स सी, ये गलत पोजीशन हो सकती है सिकंदर की, और ये गलत मूव हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही गलत मूव हो सकता है, बहुत ही गलत मूव हो सकता है, और वही हुआ। फेज़ी अमीर किल्ड बाय AKM, और यहाँ पे हमीद एक किल लेता हुआ पहला टूर्नामेंट का किल, बहुत ही आला हमीद, वेल प्लेड। यहाँ पे जॉर्जियो की साइड चल के देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो जॉर्जियो में काफ़ी क्लोज हैं बंदे, टीम नंबर 7, टीम नंबर 9, टीम नंबर इसके, और ये रश इब्राहिमी को दूर से पड़ी और रश इब्राहिमी डाउन, और ये क्या दोनों एक साथ घूम रहे हैं, टीमिंग हो रही है भाई साहब।
ये क्या मजाक है भाई, टीमिंग हो रही है और आई थिंक क्या होने वाला है। और ये मार डाला भाई, टीमिंग करने आया था बंदा, उसे मार डाला। बहुत ही आला रश इब्राहिमी, रश यूसुफ, सॉरी यश, रश यूसुफ टीमिंग करने वाले को मारा, बहुत ही आला। टीमिंग अलाउ नहीं थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं टीमिंग की वजह से। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले, बहुत ही आला। यहाँ पर दो बंदे खड़े हैं, आई आई थिंक, एक सेकेंड, ये क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे दोनों? अच्छा, ये दोनों डीसी हुए पड़े हैं, फेजी हेरी और जोहेब डेंजर, दोनों डीसी हुए पड़े। इतने बड़े, इतने अच्छे मौके पर ये डिसकनेक्ट हुए हैं। अगर कोई भी एक ऑनलाइन हो जाता है तो उसको एक किल इजीली मिल सकता है। दोनों हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ईजी किल मिल सकता है यहाँ पे। और टीम नंबर 11 टेक देती भी आगे वाली टीम को, पता नहीं आई आई डोंट नो कौन सी टीम है, लेकिन डीपी की फायर लग रही है उसे। आई थिंक निकल जाएगा इजीली, काफ़ी दूर है रेंज से इसके, 6x है बंदे के पास, लेकिन इजीली निकल जाएगा वो भी। और यहाँ पर फेजी, शाइक और ये दूसरे क्लैन का मेंबर, नाइफ आ रहा है भाई जान, नाइफ आ रहा है। टीम नंबर 11 और 4 की फाइट होने लगी है, बिल्कुल क्लोज आपस में, काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। आई आई नो आई डोंट नो कि नाइफ को पता है कि नहीं पता कि यहाँ पे शाइक बैठा हुआ है। आई थिंक पता है, इसलिए आगे नहीं आ रहे। एक अच्छी फाइट मिल सकती है हमें देखने को यहाँ पे। और ये नाइफ ने रश किया और स्प्रे पड़ा, काफ़ी अच्छा टैग, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रश करेंगे आई थिंक। और हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेट कर रहे हैं होल्ड। और पीछे फेजी हमीद, और ये अच्छा फ्लाइंग, अच्छा फ्लाइंग, और बहुत ही हार्ड, बहुत ही आला स्प्रे। और फेजी शाइक ने एक और किल ले लिया, फर्स्ट किल फॉर फेजी शाइक, फेजी क्लैन के एक और किल। एक फेजी हमीद का हो चुका है और एक फेजी शाइक का हो गया है। फेजी अमीन भागते हुए, आई डोंट नो वाई, फेजी शाइक के सामने जैक्सोनेन, लेट्स सी कैसी फाइट देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। फेजी शाइक की अच्छी पोजीशन है कवर में, लेकिन जैक्सोनेन के पास सिर्फ एक पत्थर का कवर है सामने। लेट्स सी कैसी फाइट रहती है। अभी थोड़ा दूर है, और फेजी हमीद पीछे हैं भाई, फेजी हमीद फेजी शाइक के पीछे हैं, जो फेजी शाइक को इजीली ले सकते हैं भाई। और एक गंदी वाली कैम, वो पीछे वाले पत्थर पे मौजूद है फेजी हमीद, तो ये अच्छी फाइट। और AK पोचिंग की में अकेले घूमते हुए, और यहाँ पे तीन बंदे मौजूद, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई इंटेंस फाइट होने लगी है भाई साहब, बहुत ही करीब भाई। मार ले भाई, क्या कर रहे हैं, मार ले भाई बादशाह। और बादशाह का बहुत लेट स्प्रे, आई थिंक अगर पहले करते तो कुछ हो सकता था, लेकिन अब वो फेजी आसिफ निकल चुका है यहाँ से, तो बैड मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक कर दी फेजी बादशाह ने। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही फायर लेते तो इजीली ले सकते थे फेजी आसिफ को। फेजी शायद यहाँ पे प्रोन हो गए, और जैक्सो उन्हें दिख गया आई थिंक, उसे स्प्रे जाएगा आई थिंक, नहीं M24 निकाली है फेजी शाइक ने आई थिंक। इनका एक बहुत ही आला हेडशॉट हमारे चैनल पे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं वो भी। और ये आई थिंक शॉट नहीं लेंगे, लेकिन फेजी हमीद पीछे और फेजी बादशाह पीछे से रश करते हुए भाई साहब, फेजी हमीद पे और फेजी शाइक पे आने वाले, और ये बड़े क्लोज से गुजरे फेजी बादशाह। हमीद पीछे लेटे हुए हैं, फेजी शाइक और फेजी बादशाह भी वहाँ पे मौजूद है, तो इंटेंस फाइट क्लेम की दिखने वाली है। फेजी बादशाह को आइडिया हो गया है कि बंदा कहाँ है आई थिंक, शाइक की पोजीशन उसे पता चल चुकी है। अगेन वो उसी साइड पे जा रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग फेजी बादशाह। AK और उन्हें दोनों पोचिंग की में मौजूद, और तीन बंदे यहां पर हैं, लेट्स सी इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि अमीर इसके बड़े क्लोज है, बिल्कुल उसे आइडिया नहीं है कि इसके लेफ्ट साइड पे जो है
राइट साइड पे हमीद है और शाइक भी फुल तैयारी के साथ M24 लेके, और तीनों को जोन में जाना है, तीनों जोन में नहीं है एक के, और जैसे उन्हें की अच्छी पोजीशन वहां पोचिंग की के पास। फेजी शाइक, फेजी बादशाह बिल्कुल करीब है, फेजी बादशाह आगे की साइड आ रहे हैं, हमीद फेजी बादशाह को इजीली ले सकता है, बिल्कुल इनके पास ही है फेजी बादशाह, और वो दरक का कवर ले ले, दरक के साथ पीछे का ध्यान रखते हुए फेजी शाइक को तो वो इजीली ले सकते हैं। और यहाँ पर फाइट देखने को मिल रही है हमें फेजी आसिफ और करीम की, कबीर करीम की, सॉरी नाम कर लिया मैंने तो इंटेंस फाइट देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। आई थिंक दोनों जोन में मूव करना ज्यादा बेहतर समझेंगे, चलते हैं वहीं पे बादशाह की साइड पे, बादशाह शाइक और हमीद की साइड पे, वहाँ पे ज्यादा इंटेंस फाइट चल रही है, तो चलते हैं वहीं पे। और जैक्सो उनेन की भी फाइट होने लगी है भाई साहब पोचिंग की में, फायर हुआ पोचिंग की में भाई साहब, और बादशाह डाउन, वेरी गुड बाय फेजी हमीद। मैं वही बात कर रहा था कि बहुत इजीली ले सकता है फेजी हमीद से, और वही हुआ, फेजी हमीद ने बहुत इजीली ले लिया। तो आई थिंक जोन काफ़ी दूर है, पोचिंग की निकलना है और ओपन है, जिसके पास गाड़ी होगी वो ज़्यादा सेफली पहुंच जाएगा। और शाइक ने अच्छा मूव लिया, पोचिंग की साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया, कबीर करीम फेजी हमीद को जोन के अंदर आना बाकी है, फेजी आसिफ पीछे से आते हुए पोचिंकी की साइड, लास्ट जोन पोचिंकी में बन रहा है, और आई थिंक जैसे उन्हें इनको कबीर करीम की लोकेशन मिल गई है, जी बिल्कुल बिल्कुल इनकी पोजीशन मिल चुकी है इसे, और वो यहाँ पे गाड़ी से मूव करते हुए कबीर करीम। शाइक ने एक और फायर की, फेजी हमीद के ऊपर फायर, फेजी हमीद इन ट्रबल, लेट्स सी, और ये कुछ नज़ारा आपको दिख रहा होगा, कबीर करीम, जैक्सो हुनैन, फेजी आसिफ, फेजी एके, फेजी शाइक, फेजी हमीद, ये रह गए हैं, और शाइक को जोन में आना है, जोन पूरा पोचिंग की पे कट चुका है, तो शाइक को जोन में मूव करना है, और हमीद को भी जोन के अंदर मूव करना है, बाकी कबीर करीम भी जोन के बिल्कुल करीब है, तो वो जोन के अंदर ही समझ लो उनको। एके और आसिफ बहुत क्लोज है एके और आसिफ बहुत क्लोज, और यहाँ पे कबीर करीम घोट लगने लगी है, और यहाँ पे एक हिट लगी जैक्सो हुनैन को लेवल वन के हेलमेट के साथ, तो फेजी शाइक और फेजी अमीर दोनों मूव करना स्टार्ट हो चुके हैं जोन में, दैट्स अ गुड साइन। और आसिफ पीछे से आते हुए, एके को इसका को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आसिफ बिल्कुल पीछे से आ रहे हैं, आसिफ एके को ले सकते हैं इजीली, और यहाँ पे आसिफ की तरफ से फायर और एके को ले गए, बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा था, आसिफ इजीली एके को ले सकते हैं, एके को अंदाजा भी नहीं था कि आसिफ पीछे से आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और बंदा डाउन, फाइव अलाइव, फेजी आसिफ, फेजी हमीद, फेजी शाइक एंड जैक्सो हुनैन, लेट्स सी, फेजी शाइक इस तरफ चलते हैं, फेजी हमीद जोन की तरफ मूव करते हुए, कबीर करीम इनके सामने, लेट्स सी, कबीर करीम बिल्कुल ही सामने है इनके, और ये बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, कबीर करीम को अंदाजा भी नहीं है फेजी हमीद उसके इतने करीब है, जी बिल्कुल से फुटस्टेप तो आ रहे होंगे, लेकिन जी बिल्कुल उसे अंदाजा नहीं है कि फेजी हमीद उसके पास है, तो फेजी हमीद उसे इजी ले सकता है, जस्ट पीक एंड फायर, जस्ट पीक एंड फायर, फेजी हमीद उसे बिल्कुल इजीली ले सकता है, और भाई पीक किया,
और बिल्कुल स्प्रे दिया ओका और कबीर करीम डाउन, बहुत आग। और 3 किल हो चुके हैं फेजी हमीद के, बहुत ही आला खेल रहे हैं फेजी हमीद। फेजी शाइक की तरफ से फायर, फेजी हमीद भी डाउन कर दिया फेजी शाइक ने भाई। फेजी हमीद बहुत अच्छा खेल रहे थे, फेजी शाइक भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, तो लेट्स सी अब कौन जीतता है, फेजी आसिफ, फेजी फेजी शाइक या जैक्सन एन, लेट्स सी। लास्ट जोन, तीनों पोचिंग की में और तीनों जोन के अंदर मौजूद है आई थिंक। हाँ बिल्कुल तीनों जोन के अंदर मौजूद है, जैक्सन उन्हें थोड़ा बाहर है तो उन्हें मूव करना हो। और यहाँ पे फेजी शाइक के 2 किले, फेजी आसिफ का 1 किले, जैक्सन लेन के 0 किले विद AKM खड़े हुए। लेवल 1 का हेलमेट है, लेवल 2 का वेस्ट है, लेवल 2 का बैकपैक है और 8 बैंडेजेस हैं, 4 फर्स्ट एड किट्स हैं और 1 एनर्जी ड्रिंक और 2 पेन किलर के साथ यहाँ पे मौजूद है जैक्सन लेन। और फेजी शाइक को आई थिंक पोजीशन मिल चुकी है फेजी हमीद की, बिल्कुल उन्हें अंदाजा नहीं है बंदे का है, मुझे आई थिंक अभी तक इसको किसी का भी पता नहीं चला। M4 लेके बैठे हैं, लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, लेवल 3 बैकपैक, 10 बैंडेजेस, 4 फर्स्ट एड, 4 पेन किलर, 3 सिरेंज भी लेके बैठे हुए भाई साहब और 2 एनर्जी ड्रिंक के साथ बहुत ही हार्ड गेम प्ले कर रहे हैं। और फेजी हमीद दिख गए और फेजी आसिफ दिख गए उनको और नेड करेंगे, काफी टफ नेड। आई थिंक लेट के नेट करना थोड़ा परफेक्शन में मसला होगा, लेकिन अगर खड़े होते हैं तो जैक्सन लेन उन्हें इजीली ले सकते हैं। जैक्सन लेन मौजूद इस बिल्डिंग में और जोन बिल्कुल एंड पे आ चुका है। और स्मोक करके निकलने की करेंगे बिल्कुल, और ये गलत मूव हो सकता है जैक्सन लेन का, ये गलत मूव हो सकता है और बिल्कुल मुझे लग रहा है इनका गलत मूव है, टैग पड़ सकता है इनको काफी। वो सेकंड बिल्डिंग मूव कर चुके हैं आई थिंक, फेजी आसिफ पे एक और नेट जाने लगा है और जैक्सन लेन की तरफ चलते हैं और जैक्सन लेन उतर चुके हैं बिल्डिंग से स्मोक करते हुए। आई थिंक फेजी शाइक की तरफ से नेट टैग पड़ेगा और बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही आला स्प्रे फेजी शाइक की तरफ से। जैक्सन लेन को आइडिया नहीं है कि फेजी आसिफ इनके पीछे, फेजी आसिफ इजीली ले सकते हैं इसे अगर वो फेजी शाइक से बच जाते हैं। फेजी आसिफ आ चुके हैं और फेजी आसिफ ने क्रोजा से डाउन कर दिया जैक्सन लेन को, तो 1v1 सिचुएशन बाय फेजी, फेजी आसिफ वर्सेस फेजी शाइक। Let's see who is the winner. Who is the winner of the Prime subscription? छोटा सा टूर्नामेंट है, रमजान में हमने एक बड़ा टूर्नामेंट अरेंज किया हुआ है जिससे काफी यूट्यूबर्स से भी बात चल रही है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। रमजान में भी टाइम है, आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको टूर्नामेंट का पता चल जाएगा कि वाकई में टूर्नामेंट होने वाला है। अच्छा पता स्कॉट्स में होगा, सोलो में हमें काफी दिक्कत हुई है और फैज़ी आसिफ का बिल्कुल और टैग पड़ा, काफी जोन की वजह से आई थिंक टैग पड़ा है, तो वो हील करेंगे। फेजी आसिफ को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं पेनकिलर लेते हुए, तो बूस्ट फुल करना बहुत ही जरूरी होता है इसमें लास्ट जोन में खास तौर पे, क्योंकि आपको कभी कभी आपकी 1 HP भी बचा लेती है गेम में। तो स्मोक से आई थिंक स्मोक नहीं कर रहे, उन्हें इरिटेट कर रहे हैं कि वो ग्रेनेड फेंकने की कर रहे हैं, तो काफी अच्छी स्टेज थी। और एक बार फिर स्मोक निकाला और एक बार फिर से वही करने जा रहे हैं, स्मोक करेंगे सामने ताकि बंदा इरिटेट हो। ओके हो गया और नीचे ही बिल्कुल मौजूद है फेजी अमीर और वो और ऊपर रश करते हुए फेजी अमीर और फेजी अमीर बोलो फेजी आते और स्ट्राइक लेके वेल डन प्लेयर, वेल प्लेड फेजी, वेल प्लेड ऑल द टीम्स,
फेजी शाइक के 3 किल, फेजी आसिफ के 2 किल, जिक्सो ने 0, फेजी अमित 3, बहुत अच्छा खेला फेजी अमित ने भी, कबीर करीम के 2, बहुत आला, एक एक कुछ नहीं कर पाए, रश यूसुफ का 1 किल, यही टूर्नामेंट था, यही करना होता है भाई साहब, बहुत आर्ट खेला, मिलता हूँ एक नई वीडियो से, इंशाल्लाह देखते हैं, माइनक्राफ्ट की सेकेंड एपिसोड आने वाला है बहुत जल्द, वो देखना आप, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।